हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष राणा। अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में इन सभी टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही VVI है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है भाई कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पता किया जाता है कि आइदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल, मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये है क्या इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन? डैट मीन्स यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, मतलब आइदर द ऑफ स्प्रिंग इज मेल और फीमेल, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये डिटरमाइन किया जाएगा बाई सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब अगर सेक्स डिटर्मिनेशन में डिटरमाइन किया जाए इन्वायरमेंट के द्वारा कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलते हैं। पहला है टर्टल। पहला क्या है? टर्टल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्रिसेमा पिक्टा। पिट्ठा मत बोल देना भाई, क्रिसेमा पिक्टा टर्टल। अगर इसका एग अगर 33 डिग्री सेल्सियस एवव पे हैच किया तो क्या होगा? फीमेल। और अगर इसी का एग 28 डिग्री सेल्सियस बिलो, मतलब बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? मेल। तो देखना भाई, यहां पे जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो मेल हुआ फीमेल हुआ, कौन डिटरमाइन किया? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। दूसरा हम लोग आते हैं लिजार्ड की बात करते हैं, जिसका हिंदी होता है छिपकिल्ली, जानते ही होंगे आप लोग। इसका साइंटिफिक नेम होता है अगामा अगामा। इसको कितना लोग पढ़ देता है भाई, हंगामा हंगामा, तो तुम लोग हंगामा मत कर देना, ये है अगामा अगामा। अगर लिजार्ड का एक हैच करता है हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा भाई? मेल होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा? मेल। तीसरा हम लोग आते हैं स्नेल। ओ मेल हुआ तो स्नेल, अच्छा कोई बात नहीं, स्नेल क्या भाई? स्नेल है ये, जो है ये अपने कह सकते हो कि अपने सेक्स को वो चेंज कर सकता है। इसके पास ये कैपेसिटी होता है अपने सेक्स को चेंज करने का, किसके पास? स्नेल के पास। तो ये था इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो इसमें सेक्स डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम्स, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम्स। जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्रोमोजोम्स के द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए, सभी लोग जानता होगा भाई कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोजोम कितना होता है? 46। हमारे सेल में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 46, जिसमें कि पेयर अगर कहोगे तो क्या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, सेम ही हुआ। इस 46 क्रोमोजोम में अगर हम 22 पेयर की बात करें, डैट मीन्स 44 क्रोमोजोम की बात करें, तो वो होता है ऑटोजोम्स। क्या होता है? ऑटोजोम्स। और ये जो दो पेयर, वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, डैट मीन्स टू क्रोमोजोम, इसे हम लोग कहते हैं एलोजोम। क्या कहते हैं? एलोजोम। फिर से, ह्यूमन बींग्स में कितना क्रोमोजोम है भाई उसके सेल्स में? 46, जिसमें 44 क्रोमोजोम क्या है? ऑटोजोम, और टू क्रोमोजोम क्या है? एलोजोम। अब हमें जानना है भाई कि ये ऑटोजोम क्या है और एलोजोम क्या है। ऑटोजोम्स हम वैसे क्रोमोजोम्स को कहते हैं जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब इसका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। और एलोजोम, ये जो टू क्रोमोजोम दिख रहा है, इसको हम कह सकते हैं वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ये एलोजोम क्या करता है? ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है, मतलब ये सेक्स डिटरमाइन करने में मदद करता है कि आइदर द ऑफस्प्रिंग इज मेल और फीमेल। इसीलिए एलोजोम्स आर ऑल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोजोम्स। इसीलिए हम लोग एलोजोम्स को क्या कहते हैं भाई?
सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही जो टू क्रोमोसोम है यही डिटरमाइन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फिर क्या भाई फीमेल। चलो भाई अगर हम बात करते हैं मेल की, मेल तो मेल भी तो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में तो मेल होता ही भाई। चलो 46 क्रोमोसोम इसके पास, जिसमें कि 44 क्या है भाई ऑटोसोम है, चलो 2 क्या है भाई सेक्स क्रोमोसोम, वो कौन कौन है एक्स और वाई, एक्स और वाई। अगर हम बात करते हैं फीमेल का तो फीमेल में 44 क्या हो गया ऑटोसोम, और जो टू सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है एक्स और एक्स। आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ फर्क दिख रहा होगा, कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा मेल और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में, क्या है भाई 44 टू कितना 46, 44 टू कितना 46, यहां तक तो ठीक है। यहां देखना, यहां सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है मेल में, और फीमेल में क्या है एक्स और एक्स। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किसका गैमेट्स का, तो ये गैमेट्स जो होते हैं हैप्लोइड होते हैं, मतलब ये हाफ हो जाते हैं ये क्रोमोसोम। कैसे 44 का हाफ कितना होगा 22, कितना भाई 22 प्लस एक क्या जाएगा एक्स। आपको पता होना चाहिए मेल गैमेट हम लोग किसे कहते हैं स्पर्म्स को, किसे कहते हैं स्पर्म्स को, और यहां पे क्या होगा 22 प्लस वाई, देखना भाई हाफ हो गया 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। हमें एक चीज दिख रहा होगा कि यहां पे जो 22 प्लस एक्स है और 22 मतलब यहां पे दो तरह के स्पर्म्स है, दो तरह के गैमेट्स है, एक तो 22 प्लस एक्स और एक तो 22 प्लस वाई। जब दो तरह के गैमेट्स हो, देखना मेल गैमेट्स दो तरह का है, इसे इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं ऐसे गैमेट्स को हेटरोगैमेटिक। फिर से हेटरोगैमेटिक क्या है, हेटरोगैमेटिक किसे कहते हैं, यहां पे जो मेल गैमेट दिख रहा है ये दो तरह का दिख रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं हेटरोगैमेटिक। अगर हम फीमेल गैमेट बनाएं तो हाफ करते हैं भाई 22 प्लस क्या आएगा एक्स, फीमेल गैमेट क्या होता है ओवा, यहां क्या आएगा 22 प्लस एक्स। देखना दोनों गैमेट्स क्या है सेम है, यहां पे देखना जो गैमेट्स बन रहा है मतलब एक ही तरह का गैमेट्स बन रहा है, दो गैमेट क्या यहां एक ही तरह का गैमेट बन रहा है फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट में दो आ रहा है तो इसीलिए इसे हमने बोला हेटरोगैमेटिक। फीमेल में क्या होगा होमोगैमेटिक, मतलब गैमेट्स आर सिमिलर, गैमेट्स आर क्या सिमिलर। अब है एंड्रोस्पर्म्स और गाइनोस्पर्म्स। अगर हम मेल गैमेट देखें तो यहां पे दो तरह का गैमेट था, एक तो था 22 प्लस वाई, तो इस कंडीशन क्रोमोसोम के इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंड्रोस्पर्म्स, और क्रोमोसोम के इस कंडीशन को 22 प्लस एक्स इसे हम लोग कहते हैं गाइनोस्पर्म्स। तो ये था गैमेट्स, ये क्या था गैमेट्स। अब हम लोग इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसा कि हमें पता होगा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनाता है जायगोट बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और यही जायगोट आगे जाकर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, और यही इम्ब्रियो आगे जाकर फ्यूचर बेबी बनता है। तो एक सिंपल सा मेथड है फर्टिलाइजेशन करने का, जिसे हम लोग कहते हैं पन्नेट स्क्वायर। हो सकता है मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूं। चलो भाई पन्नेट स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, कौन सा स्क्वायर पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर में क्या करना है, ये जो आप साइन देख रहे हो ये मेल का होता है, और ये जो साइन होता है ये फीमेल का होता है। तो यहां पे हमें क्या करना है मेल गैमेट्स लिख देना, यहां पे फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या क्या आया था 22 प्लस क्या एक्स, दूसरा क्या है 22 प्लस क्या वाई, चलो भाई हो गया लिख दिया मैंने। फीमेल गैमेट का बात करते हैं 22 प्लस क्या भाई एक्स, यहां भी क्या आया 22 प्लस एक्स। चलो इधर हो गया मेल गैमेट, इधर क्या हो गया फीमेल गैमेट। अब हमें फ्यूज करवाना है, कंबाइन करवाना है मेल गैमेट को किससे फीमेल गैमेट्स। ठीक है ना 22 कितना हुआ 44, चलो भाई सही है। क्या है जी एक्स है, यहां भी एक्स, एक्स एक्स, ओ एक्स एक्स है, दोनों सिमिलर है, मतलब ये क्या है ये जो चाइल्ड होगा ये क्या होगा गर्ल, क्या होगी गर्ल। अब यहां देखते हैं 22 कितना है जी 44 है, क्या है भाई एक्स और वाई,
एक्स वाई आ गया सर, ओ ये तो अलग गया, मेट ये तो अलग तरह का है, एक्स अलग है वाई अलग है, डैट मीन्स ये मेल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा क्या होगा जी, बॉय। देखो इसके पास भी 46 आ गया, 44, 45, 46, 44, 45, 46, मतलब ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 22, 22 कितना भाई, 44, क्या है जी, एक्स और एक्स, चलो भाई एक्स और एक्स है, वाओ सिमिलर है, क्या ही गर्ल भाई, चलो अब यहाँ देखते हैं 22, 22 कितना है भाई, 44 है, क्या है भाई, एक्स और वाई, एक्स वाई है सर, ओ ये तो मेल है, डैट मीन्स बॉय। तो यहाँ पे हमने देखा जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कि 50% चांस रहता है बॉय होने का और 50% चांस होता है गर्ल होने का, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि 100% बॉय ही होगा 100% गर्ल्स, ये 50-50% चांसेस होता है। और एट लास्ट मैं आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है हम ये रिस्पॉन्सिबल देता है कि अगर मान लो किसी फीमेल को गर्ल चाइल्ड हुआ या फिर बॉय चाइल्ड हुआ तो रिस्पॉन्सिबल ठहराता है फीमेल को कि उसी में कुछ गड़बड़ी है, मान लो फीमेल ही हो रहा है तो कहता नहीं भाई उस वोमैन में ही कुछ गड़बड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होगा या फीमेल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फादर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फादर ही जो होता है इसी के पास ये क्रोमोजोम है वाई क्रोमोजोम, और ये वाई क्रोमोजोम ही डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा या फीमेल। अगर वाई क्रोमोजोम है डैट मीन्स वो क्या है, मेल, डैट मीन्स वो बॉय है, और अगर वाई क्रोमोजोम नहीं है तो वो क्या है, फीमेल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।